अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को कंप्लीट कर लिया था। आज जिस चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर मैक्सिमम 7 या 8 लेक्चर को 10-10, 12-12 मिनट्स की वीडियोस बनेंगी, जिससे कम या ज़्यादा हो सकती हैं, ये सिर्फ अंदाजतन है। तो कोशिश करेंगे इसमें हर एक चीज़ को समझ लें, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सबसे पहली बात होती है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ना, उस चीज़ का आपको पता होगा कि थिन क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। सही है, इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते क्यों है? क्रोमेटोग्राफी का तो पता ही होगा आपको, क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है। चलिए हेडिंग दे लें, थिन लेयर। थिन कहते हैं जी पतली सी, थिन लेयर, लेयर कहते हैं तय को, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे पास आज टॉपिक है डिस्कस करने वाला। ये आज जो चीज़ हमने इसके डिस्कस करनी है, पहले तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेंगे, थिन लेयर का मतलब क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका प्रिंसिपल। सही है, सबसे पहले इसी वर्ड पे आ जी, थिन, सॉरी ये दिस लगा दिया, THIN, थिन। थिन कहते हैं जी पतली, बारीक। सही है, थिन कहते हैं पतली या फिर बारीक, बिल्कुल बारीक सी। कौन सी चीज़ जी? लेयर। लेयर कहते हैं तय को, पतली सी तय। सही, अब क्या मतलब पतली सी तय? क्रोमेटोग्राफी हमें पता है जी, ये एक ऐसा मेथड है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेशन का मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन इन विच जिसमें हम ये काम कर रहे होते हैं, इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड। यह हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा इसमें क्या काम करना है। चलिए मैंने थोड़े से पहले डायग्राम्स वगैरह बना के उसको समझ लेते हैं कि ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते किस तरह है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। सही है, अब आपने करना क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए ना आपको एक स्लाइड चाहिए। अच्छा, स्लाइड जो शीशे की होती है, अमूमन ये बायोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम बैक्टीरिया का सैंपल लगा के माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, वो होती है हमारे पास स्लाइड शीशे की। सही, आपने सबसे पहले वो शीशे की एक छोटी सी प्लेट ले लेनी है, फिर उसको हम प्लेट का नाम दे रहे होते हैं। ये हमारे पास वो शीशे की छोटी सी प्लेट आ गई है। सही, अब इस शीशे की ये बेशक ये जो प्लेट है ना, सही, ये लेयर है। सही, ये याद रखिएगा, ये प्लेट कह सकते हैं या लेयर। अब प्लेट जो होती है ना, ये बनी होती है दो चीज़ों से। किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हो सकती है? या तो ये होगी एलुमिनियम की या फिर ये हो सकती है ग्लास की। ये किस चीज़ की हो सकती है? ग्लास की। अब याद रखने वाली बात यह है, जो हम अमूमन यूज़ करते हैं वो ग्लास की बनी हुई प्लेट यूज़ करते हैं, शीशे की बनी इतनी सी छोटी सी प्लेट होती है। अब इसके ऊपर हमने करना क्या होता है, सिलिका जेल लेते हैं। सही है, सिलिका जेल स्टेशनरी फेज में, सिंपल बात कहूँगा, स्टेशनरी फेज कोई भी सॉलिड चीज़ होगी, उसको आपने लेना है, लिक्विड वाटर के अंदर डिजोल्व करना है, स्लरी बनानी है, इसके ऊपर गिरा देना है। सही, यानी कि मैं क्या किया जी, अच्छा मैं एक सिंपल सी एक एग्जाम्पल देने लगा हूँ, थोड़ी समझ आ जाएगी इससे। ये स्लरी होती क्या है, आपने चूना लेना है, चूने को पानी के अंदर हल करना है। सही, अब इस तरह आपने हल कर लेना है कि उसका थिक पेस्ट बन जाए। क्या बन जाए? थिक पेस्ट। सही, वो जो चीज़ बनेगी ना आपके पास, सही, आपने चूना लिया या रेत, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सही है, मैं चूना या रेत वगैरह लेके उसके अंदर पानी डालता हूँ, सही है, वाटर डाल के ना उसकी बना लेता हूँ पेस्ट सा, और इसको गिरा देना आपने इसके ऊपर। सही है, अब इसके ऊपर बारीक सी तय चढ़ा देनी है। किस चीज़ की? इस पेस्ट की। इस पेस्ट की बारीक सी तय चढ़ा देनी है। सही, अब इस चीज़ को हम नाम देते हैं, जो ऊपर पतली सी तय चढ़ाई, इसी को हम थिन लेयर का नाम दे रहे होते हैं, इसी को हम थिन लेयर का नाम देते हैं। ये हमारे पास आ गई है थिन लेयर, बिल्कुल पतली सी तय चढ़ा देनी है। अब ये थिन लेयर होती किस चीज़ की? असल में होती है स्टेशनरी फेज। सही है, अब जब भी क्रोमेटोग्राफी करेंगे, इसमें आपके पास एक मोबाइल फेज होती है जो कि मूव कर सकती है, एक होती है स्टेशनरी फेज जो कि मूव नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती। सही, अब थिन लेयर जो हमारे पास बनती है ये स्टेशनरी फेज होती है। अब स्टेशनरी फेज हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? यहाँ पे स्टेशनरी फेज, अब स्टेशनरी फेज में हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आ सकती हैं, सेलुलोज,
इसके अलावा हमारे पास सिलिका जेल, सिलिका जेल आ सकता है, एलोमिना आ सकता है, कौन सी चीज़ आ सकती है, एलोमिना आ सकता है, ETC। ये हमने चंद एक स्टेशन फेजेस के नाम लिख लिए हैं। और स्टेशन फेज ये मूव नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। अब हमने क्या किया, एक ग्लास की प्लेट ली, उसके ऊपर बिल्कुल बारीक सा, मैं सिंपल कहूँगा, रंग कर दिया, किसका, चूने का, ख़त्म। ये हमारे पास बन गया जी थिन लेयर, प्लेट बन गई है। अब इसको आपने यूज़ करना होता है इस क्रोमेटोग्राफी में, इसी हमने जो पहला वर्ड लिया हो ना थिन लेयर का, वो यहाँ से उठाया है असल में, क्योंकि जो प्लेट के ऊपर आप बिल्कुल बारीक से तय चढ़ाते हैं ना, उसको थिन लेयर का नाम देते हैं, उस चीज़ को थिन लेयर का हम नाम दे रहे होते हैं। अब आ जाए हमारे पास नेक्स्ट चीज़, थिन लेयर हमारे पास बन गई है। अब आपने करना क्या है कि एक बीकर लेना होता है, तो ये अमूमन बीकर के अंदर ही करते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा प्रोसीजर बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लेट आपकी बिल्कुल छोटी सी होती है। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में करते हैं, तो पेपर आप जितना मर्जी लंबा काट सकते हैं, ये प्लेट आपकी बिल्कुल बारीक सी होगी। तो आपने एक बीकर लेना होता है, बीकर लेके इसके अंदर डालनी होती है मोबाइल फेज। यहाँ आप याद रखिएगा, मोबाइल फेज बड़ी कम मिकदार में चाहिए, थोड़ी सी चाहिए। ये मैंने डाल दी जी मोबाइल फेज, मोबाइल फेज। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस थिन लेयर ये प्लेट को उठाना है, उठाने के बाद आपने इसके अंदर लगा देना है, इस तरह रख देना है। इसी प्लेट को आपने कुछ इस तरह इसके अंदर डिप करवा देना है। तो अब नीचे से सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, नीचे से सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, सही है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये हमारे पास आ गई जी प्लेट, जिसके ऊपर हमने क्या किया जी, क्रोमेटोग्राफी करनी है। और इसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी करना है क्योंकि हमने कंपोनेंट के सेपरेशन करनी है, जो भी हमारे पास मिक्सचर होगा उसका सैंपल आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास सैंपल होगा, और कुछ वक्त के बाद आपके पास यहाँ से नीचे से मोबाइल फेज ऊपर की तरफ मूव करेगी, किस फिनोमेना के थ्रू, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के फिनोमेना के थ्रू। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो कैपिलरी एक्शन फिनोमेना है, इसको समझिएगा कैपिलरी एक्शन होता क्या है। सही, हम में से मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता था कैपिलरी एक्शन है क्या, व्हाट इज़ द कैपिलरी एक्शन, हमने पढ़ा हुआ है। सही, मैं इसके सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, जो पौधों में पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, वो कैपिलरी एक्शन के फिनोमेना की वजह से जा रहा होता है, कैपिलरी एक्शन के फिनोमेना की वजह से पानी पौधे की जड़ों से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। सेम काम कुछ यहाँ पे कैपिलरी एक्शन का फिनोमेना हो रहा था, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फेज नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है, आपका मोबाइल फेज अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा होता है। ये सिंपल सी बात आपने याद रखी। अब कैपिलरी एक्शन होता क्या है, इसको समझिएगा। कैपिलरी एक्शन ये होता है कि आपके पास अगर एक बीकर पानी का ना, इसका आप लैब के अंदर आराम से कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने वाटर लिया, और कैपिलरी एक्शन के फिनोमेना को समझ लें ये होता क्या है। अब आपने क्या करना है, एक कैपिलरी लेनी है, कैपिलरी लैब के अंदर अमूमन मिल जाती है बिल्कुल बारीक सी, इस तरह की एक ट्यूब सी होती है, इस तरह की बिल्कुल बारीक सी। आपने ये कैपिलरी लेनी है, इसको कैपिलरी का नाम देते हैं, कैपिलरी। इस कैपिलरी को लेके इसके अंदर डाल देना है, इस कैपिलरी को लेके आपने इसके अंदर डाल देना। अब होगा क्या कि आपको जो वाटर होगा ना, नीचे से ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देगा, सही है, यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देगा, यहाँ तक चला जाएगा। अब ये जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया, इस फिनोमिना को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं, इस फिनोमिना को कैपिलरी एक्शन का नाम दे रहे होते हैं। कहता कैपिलरी एक्शन का फिनोमिना होता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल वेज नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, और आपका जो सैंपल सोल्यूशन होता है वो सेपरेट हो जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, 2 या 3 या 4 जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सब में सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद हमारे पास ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। सही, अब हम सबसे पहले प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। जो सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी प्रिंसिपल में आएंगी। सही है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल के बारे में याद रखिए, ये बार दफ़ा पेपर के अंदर 2 नंबर के लिए आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का हम प्रिंसिपल डिस्कस करने लगे हैं। सही, यहाँ पे जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि ये कैपिलरी एक्शन का फिनोमिना क्या है। सही, इसके बाद हमारे पास स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है। स्टेशनरी फेज जो हमने इसके ऊपर पतली सी एक तह लगाई, इसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। मोबाइल फेज जो कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, कैपिलरी एक्शन वो फिनोमिना है जिसकी वजह से मोबाइल फेज नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है।
अब होता क्या, कहता कि आपने इसका जो प्रिंसिपल है, कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इन TLC, अच्छा इसको TLC भी कहते हैं, याद रखिएगा, T से मुराद थिन, L से मुराद लेयर, एंड C से मुराद क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इन TLC क्या होगा, अ थिन लेयर ऑफ, अ थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज इज प्लेस्ड ऑन, ग्लास प्लेट, ग्लास और एलुमिनियम प्लेट, कहता आपने क्या करना है कि एक ग्लास के ऊपर, एक ग्लास या वो एलुमिनियम की ग्लास प्लेट बनी हो, उसके ऊपर आपने स्टेशनरी फेज की बिल्कुल पतली सी लेयर तय बिछा देनी है। अब इसके ऊपर होना क्या है कि आपका जो मोबाइल फेज होगा इस लेयर के ऊपर मूव करेगा, और किस फिनोमिना के थ्रू कर रहा होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऑन ग्लास प्लेट, एंड मोबाइल फेज मूव, फेज मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा होगा नीचे के ऊपर। सी, अब अगेंस्ट द ग्रेविटी का मतलब, मैं अगर यहाँ से चीज़ छोड़ता हूँ ना, ग्रेविटी क्या कोशिश करती है, इसको नीचे की तरफ खींचने की, ग्रेविटी क्या कोशिश करती है, नीचे की तरफ आए। अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसको हम नाम देते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अब देखिए, यहाँ से मोबाइल फेज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, हमने वर्ड यूज़ किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, टॉप टू बॉटम टू टॉप, अगेंस्ट द ग्रेविटी मोबाइल फेज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप, अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं इस तरीके का से, मिक्सचर इज सेपरेटेड, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेपरेटेड हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। ये था जी हमारे पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में तीन बातें याद रखिएगा, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड कैपिलरी एक्शन। और स्टेशनरी फेज के बारे में ये याद रखना, आपने अप्लाई किस तरह करनी है, इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते क्यों है, थिन लेयर का मतलब क्या है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, ये सिंपल सिंपल सी बातें होती हैं। अगर आप वर्डिंग पर जाएंगे ना, आपको चीज़ें सीखने में आसानी होगी, आसानी से पता चल जाएगा। सही है, यही हमारे पास आज के लेक्चर में, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।